पॉडकास्ट के पहले वाक्य में आपका स्वागत है। मैं आपका हम सफ़र हर्ष। आज बातें होंगी कुछ गुमनाम किस्सों की, कुछ अपनी कुछ अपनों की। आज का किस्सा मसलन उनके लिए है जो दीवारों दर भूल कर आए हैं, महानगर के विशाल समुंदर में जहाँ जीवन समय से भी तेज भागता है। आज की कहानी का नायक गुमनाम है। कई अजनबियों की तरह गुमनाम भी महानगर की भीड़ में खोया हुआ गुमसुम सा किन्हीं गलियों में टहल रहा है, न जाने किस ओर जा रहा है। इस तरह उसे एक अजनबी हमराह मिलता है। कदम ताल दोनों के चल रहे हैं। शाम ढल रही है, रोशनी मंद पड़ रही है, तारे लुका छिपी कर रहे हैं। सुनसान गली है, दोनों के कदम ताल बोल रहे हैं। गुमनाम बातों बातों में दास्तां गोई करता है। वो कहता है कि हम गलियों में इस डगर उस डगर और सामने बिखरा शहर, यहाँ जाल है बिखरे सपनों का, टूटी उम्मीदों का जो हर सुबह हौसला भर लेती। बता दें कि गुमनाम दुखी नहीं है, उस अजनबी की तरह वो भी थक चुका है। वो देखता है कि यहाँ हर मोड़ नया है, हर नुक्कड़ कोई गुमनाम किस्सा जुड़ा है। गुमनाम किस्से अंधेरों से इबारतों में कहीं खो गए और ना जाने कितने सपने यूं ही सो गए। तंग हाल दुनियादारी से बेहाल वो बेचारा बोलता है कि यहाँ कोई किसी का नहीं, कोई कहीं का नहीं, सब उलझे हैं एक मकर जाल। और फिर सुबह आती है, नए सपने लाती है, आभा जोश बिखेरती है, उम्मीदें होश बटोरती हैं। हम फिर उठते हैं और फिर इस जाल में उलझते हैं। इस बीच अजनबी अनर्गल शुरू हुई इस दास्तां से बेचैन हो गया। बेचैन वो पूछता है कि गुमनाम क्यों। गुमनाम कहता है कि हमको भरोसा है कि कोई राह दिखाएगा, एक दिन कोई तो आएगा। और इस तरह न जाने कितनों को मिल जाती है उनकी मंजिल। बहरहाल अजनबी समझदार है, दुनियादारी में उसका तजुर्बा गुमनाम से कुछ ज्यादा है। वो कहता है कि बरखुरदार, कुछ ही मंजिल है जो मंजिल कहलाती है, बाकी हमेशा के लिए अनामिका हो जाती है। गुमनाम की आंखें भरी हुई हैं, वो आसमां को देखता है, भरी आवाज में कहता है कि मैं उस अनामिका को जानता हूं। वो अनामिका कोई और नहीं बल्कि मेरा जीवन है जो इस भाग दौड़ में कहीं खो चुका है, शांति में कहीं सो चुका है।